यहाँ पे बिल ड्रॉ जिसने किया है और जिसके ऊपर ड्रॉ किया है और जो पेई है, ये तीनों आर्टिफिशियल पर्सन है। यहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉवी और ये पेई, ये तीनों भी आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बिल ड्रॉ किया है। अमाउंट है, पीरियड ऑफ बिल है 4 months आफ्टर। ओ हो, आफ्टर साइड बिल है। क्या है सर आफ्टर साइड का मतलब? प्रिपेयर डिमांड बिल विद इमेजिनरी ड्रॉवर, ड्रॉवी, एड्रेस, अमाउंट एंड डेट। डिमांड बिल बोला है ना, डिमांड बिल मतलब क्या, सुनना चाहता है आंसर। करते स्टार्ट। अभी यहाँ पे देखना जरा सिचुएशन क्या है, इंपॉर्टेंट मस्त चीज क्या है। यहाँ पे बिल ड्रॉ जिसने किया है और जिसके ऊपर ड्रॉ किया है और जो पेई है, ये तीनों आर्टिफिशियल पर्सन है। समझ रहे क्या? यहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉवी और ये पेई, ये तीनों भी आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बिल ड्रॉ किया है, व्यक्ति ने नहीं किया है। अरे चलेगा ना, नहीं चलेगा क्या ये क्वेश्चन में? ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे बिल ड्रॉ कर रहा है, देखो दिख रहा है। अभी फिर तुम बोलेंगे सर यहाँ पे नाम दिया है ड्रॉवर कश्मीरा शाह। अरे लिखा है ना पार्टनर, ये कश्मीरा शाह पार्टनर है। किसकी पार्टनर है? मेसर्स शाह एंड शाह की। मतलब बिल किसने ड्रॉ किया? मेसर्स शाह एंड शाह ने बिल ड्रॉ किया। किसके ऊपर? धनश्री ट्रेडर्स के ऊपर। और पैसा किसको मिलेगा? मेसर्स जानकी ट्रेडर्स। दिख रहा है क्या भाई? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे बिल ड्रॉ कर रहा, चलेगा ना? क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे सिंपल सर, अपन अपना ऑर्गेनाइजेशन क्या है? AGI अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस। मानो कमलाबाई एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का या कमलाबाई फाउंडेशन। कमलाबाई फाउंडेशन ने बोला सर हमको आपके इंस्टीट्यूट में हमारे 4 बच्चे भेजने हैं पढ़ाने के लिए, उनका जो भी पैसा रहेगा वो हम भरेंगे, ऐसा कमलाबाई फाउंडेशन ने बोला। तो हम पैसा किससे लेंगे? वो 4 बच्चों से लेंगे कि फाउंडेशन से लेंगे? फाउंडेशन से लेंगे ना। तो हमको अगर पैसा लेना है तो हम बिल ड्रॉ करेंगे फाउंडेशन के ऊपर। हम मतलब कौन बिल ड्रॉ करेंगे? मैं ड्रॉ करूंगा। कौन सा ड्रॉ करेंगे? कि AGI ड्रॉ करेगा। एग्जैक्टली, तो AGI बिल ड्रॉ करेगा किसके ऊपर? फाउंडेशन के ऊपर, कमलाबाई फाउंडेशन के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना। पर अब AGI का बिल ड्रॉ होगा तो साइन कौन करेगा? अरे AGI के हाथ है क्या? अरे वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो AGI के बिहाफ पे साइन कौन करेगा? एग्जैक्टली, ओनर साइन करेगा ना। तो साइन अपन करेंगे सर, पर बिल तो ऑर्गेनाइजेशन का बना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिंपल, दैट्स इट। तो वैसे इस क्वेश्चन में भी है, ऑर्गेनाइजेशन का बिल बनाया हुआ है, तो देखते हैं कैसे करना है। करते हैं स्टार्ट। बताइए सर, सबसे पहला तो ड्रॉवर कौन है? मेसर्स शाह एंड शाह, 2C मातृ छाया बिल्डिंग अकोला। करेंगे फिर, चलो फिर देख लेते हैं, पहले लिख देते। चलो क्वेश्चन नंबर 5, रिजर्व एक्सचेंज, इधर आएगा स्टैम्प। उसके बाद फिर अमाउंट है 64,500। अब यहाँ पे ड्रॉवर का यानी बिल बनाने वाले का यानी हमारा नाम, एड्रेस वगैरह। चलो मेसर्स शाह एंड शाह, 2C मातृ छाया बिल्डिंग अकोला। 2C मातृ छाया बिल्डिंग अकोला, और डेट 12th September 2019। चलो अभी मेन बॉडी, मेन पैराग्राफ लिखना है। क्या बोलेंगे अपन? अपन किससे पैसा मांगने वाले? धनश्री ट्रेडर्स से। हम लोग पैसा मांग रहे धनश्री ट्रेडर्स से। किसके लिए पैसा मांग रहे हम? हमारे लिए पैसा मांग रहे क्या? हम पैसा मांग रहे जानकी ट्रेडर्स के लिए। एग्जैक्टली, यहाँ पे ही अलग है। तो चलो फिर लिखो, अभी हम क्या बोलेंगे धनश्री ट्रेडर्स को? भाई 3 months आफ्टर द डेट पे मेसर्स जानकी ट्रेडर्स अकोला और देयर ऑर्डर। अरे ऑर्गेनाइजेशन को हीज और हीज या हर थोड़ी बोलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ना तो आदमी है ना तो औरत, कैसा कर रहे, क्या क्या बोलने लगा रहे। सो हम बोल देंगे 3 months आफ्टर द डेट पे मेसर्स जानकी ट्रेडर्स और देयर ऑर्डर द सम ऑफ ₹64,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और हम ये भेज देंगे किसके पास? धनश्री के पास। 3 months आफ्टर द डेट पे टू मेसर्स जानकी ट्रेडर्स अकोला और फेयर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 64,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अरे हाँ या ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भाई? और देयर ऑर्डर। अभी अपन ने लिख दिया, अपन मंजे कौन? मेसर्स शाह एंड शाह। अब अपन साइन करेंगे कि नहीं? यहाँ पे साइन होएगा कि नहीं होएगा सर? तो साइन कौन करेगा बताइए सर? शाह एंड शाह, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन साइन नहीं कर सकता। फिर कौन साइन करेगा ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे? कश्मीरा शाह साइन करेगी। अब ये जो है ना सर, कश्मीरा शाह जो है ये साइन करेगी एज अ पार्टनर ना। तो देखो कश्मीरा शाह साइन करेगी बट इन द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। किसकी पार्टनर? मेसर्स शाह एंड शाह की पार्टनर। अभी देखना यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्टनर ऑफ या पार्टनर फॉर मेसर्स शाह एंड शाह। मतलब साइन किया है कश्मीरा ने
इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर फॉर शाह एंड शाह, तो हमने बिल बना के भेजा तो हम साइन करेंगे। अब हम तो ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे बिहाफ पे कौन साइन करेगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मालिक, और ये पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनर लिखा है मतलब, ये अपन ने 11वीं में एसपी में देखा था। तो हम ऑर्गेनाइजेशन है, हम शाह एंड शाह है, तो हमारे बिहाफ पे हमारा मालिक साइन करेगा। तो हमारा मालिक कौन है? पार्टनर है कश्मीरा शाह, तो हमारे बिहाफ पे कश्मीरा साइन कर रही है इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। इसके लिए सिर्फ कश्मीरा नहीं लिखेंगे, हमको लिखना पड़ेगा पार्टनर फॉर मेसर्स शाह एंड शाह। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे चलते हैं। फिर अब क्या करेंगे सर? ये बिल अपन भेज देंगे। किसको भेजेंगे सर ये बिल? धनश्री ट्रेडर्स को, बराबर कि नहीं? बैंगलोर रोड बेलगाम, तो लिखते हैं ना धनश्री ट्रेडर्स बैंगलोर बेलगाम। अपन ने साइन करके भेज दिया भाई। अब सामने वाला क्या करेगा इसको? हमने कागज टुकड़े पे लिख के साइन करके, हमारा साइन करके भेज दिया। अब सामने वाला इसको एक्सेप्ट करेगा। देखते जनरल एक्सेप्टेंस है कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है? कुछ भी चेंज नहीं किया हमारे, जनरल एक्सेप्टेंस है, जैसा बिल था वैसा कि वैसा एक्सेप्ट कर दिया। ना तो उसने टाइम चेंज किया, ना तो अमाउंट। दिस इज जनरल एक्सेप्टेंस, जनरली बिल को एक्सेप्ट कर दिया नॉर्मली। चल भाई एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड साइन। अरे अभी कौन साइन करेगा? धनश्री ट्रेडर्स के भी बिहाफ पे कोई मालिक साइन करेगा ना, तो देखते हैं किसने साइन किया है। जयश्री साइन कर रही है एज अ पार्टनर। चलो बहुत बढ़िया, तो ये भी पार्टनर ही है, तो साइंड ब्रैकेट में जयश्री, और क्या लिखेंगे? पार्टनर फॉर धनश्री ट्रेडर्स। अरे सही है ना। और लास्ट में डेट, डेट क्या है? कभी एक्सेप्ट किया? 15 सितंबर 2019। खत्म। चलो भाई लाइन में ड्रॉ करके खत्म करते। अभी लास्ट में आ जाएगा बॉक्स। अगला क्वेश्चन रहा है, देख लेते सर क्या बोला है। प्रिपेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ड्रॉवर है, ड्रॉवी है, पेई है, क्या बात है? अमाउंट है, पीरियड ऑफ बिल है, 4 मंथ्स आफ्टर, ओ हो आफ्टर साइट बिल है। क्या है सर आफ्टर साइट का मतलब? सुनिएगा जरा ध्यान से अभी, एकदम लॉजिकल पॉइंट है, मजा आएगा आपको समझ के। सर सुनो ना सर, हमको बिल बनाने का ना, प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज राइट, हम बिल बनाने वाले तो हम सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे अभी? ड्रॉवर यानी कि दिनेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत भारी, यानी हम दिनेश बन जाएंगे। अब हम सुनिए, हम आज यानी कौन से तारीख को हम बिल बना रहे हैं? 26 नवंबर को हम बिल बना रहे हैं। हम 26 नवंबर को बिल बना रहे हैं, यानी हम आज कागज के टुकड़े पे लिखेंगे क्या? 4 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू अमित, एग्जैक्टली ठाणे वेस्ट, और हिज ऑर्डर। बहुत बढ़िया, तो हम क्या लिखेंगे सर कागज के टुकड़े पे? हम महेश को क्या बोलेंगे? महेश भाई सुन जरा ध्यान से, 4 मंथ्स आफ्टर द डेट पे अमित और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 9500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अरे हाँ या ना, ऐसा हम लोग लिख के भेजेंगे किसके पास? महेश के पास। फिर उसको बिल मिलेगा, जैसे उसको बिल मिलेगा वो कर देगा एक्सेप्ट। सर अपन ने बिल कब भेजा? आज 26 नवंबर को, उसको हम बिल दे रहे हैं, उसको कब बिल मिला? उसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल कब मिला? 29 नवंबर को। तो क्या वो ऐसा बोल सकता है कि अरे दिनेश भाई सुनना, सामने वाला अपने को बोल रहा है अरे दिनेश भाई मेरे को बिल आज मिला 29 को, तो मेरे को आज से 4 महीना देना यार, ऐसा बोल सकता है क्या? मतलब जो 4 महीने का टाइम है, सामने वाला ऐसा बोल सकता है क्या कि भाई डेट ऑफ बिल जो है ना, जिस दिन बिल ड्रॉ किया है, देखो भाई बिल कब ड्रॉ किया? 26 नवंबर को। तो सामने वाला ऐसा बोल सकता है क्या भाई 26 तारीख से मत गिन 4 महीना, 4 महीने का टाइम कब से गिन? 29 नवंबर से गिन, ऐसा वो बोल सकता है क्या सामने वाला? लॉजिकल है कि नहीं है? सर 100% लॉजिकल है। हालांकि आज तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए, अपन ने टाइम, अपन ने पीरियड ऑफ बिल कब से गिना है? जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन से। फिर आप बोलेंगे सर फिर इसका मतलब ये गलत है क्या, बिल ड्रॉ किया उस दिन से गिनना? अरे कोई गलत नहीं है, क्यों? सुनिए ध्यान से। सर सामने वाले को बिल 29 को मिला है, ठीक है, बट सामने वाले को तो 26 तारीख को ही पता है ना अपन ने बिल ड्रॉ किया है, नहीं पता रहेगा क्या? उसको तो हम लूप में रखेंगे ही ना, हम उसको इन्फॉर्म तो करेंगे ही ना, फोन पे हो, ईमेल पे हो, भाई व्हाट्सएप पे हो, कैसे भी हो। 26 तारीख को हम बिल बना के भेजेंगे तो उसको इन्फॉर्म भी तो करेंगे, भाई बिल भेजा है, जैसे ही मिलेगा हमको बोलना। तो मुद्दा क्या है, तुम डेट ऑफ बिल से कैलकुलेट करो कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, चलता है। इट डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों क्या चाहते हैं उसके हिसाब से होएगा। अगर ड्रॉवी रिक्वेस्ट कर रहा है भाई 29 से गिन लेना प्लीज, तो चलेगा, अपन बोलेंगे ठीक है चल, जिस दिन तू बिल देखेगा मैं उस दिन से 4 महीना कैलकुलेट करूंगा। हम क्या बोलेंगे ड्रॉवी को, ठीक है तू बोलता है तो आफ्टर साइट बिल, तो आफ्टर साइट मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय साइट? मतलब देखना ना, आफ्टर साइट आफ्टर वॉचिंग, तो आफ्टर साइट मतलब क्या? जब ड्रॉवी बिल देखेगा उस दिन से पीरियड ऑफ बिल कैलकुलेट होगा। तो अपने को क्या इंप्रोवाइज करना पड़ेगा इस बार? हम लिखते टाइम ऐसा नहीं लिखेंगे 4 मंथ्स आफ्टर द डेट, हम क्या लिखेंगे? 4 मंथ्स आफ्टर साइट। अरे समझ में आ रहा है क्या? डन, करते स्टार्ट, तो बनाते बिल। क्वेश्चन नंबर 6, तो भाई स्टैंप और अमाउंट है 9500, ड्रॉवर है दिनेश, पीआर रोड अंधेरी वेस्ट, और डेट ऑफ बिल है
26 नवंबर 2019 सही है। ओके तो इतना लिखने के बाद चलो आगे लिखते हैं फिर। अब क्या बोलेंगे हम सामने वाले को? 4 months after sight, चल टेंशन मत ले। सामने वाले को हमने बोला तू बोले भाई साहब, तो हम नॉर्मल लिखते हैं 4 months after the date। After the date मतलब after आज से, पर अभी हम बोल रहे हैं 4 months after sight, यानी जिस दिन तुमको बिल मिलेगा उस दिन के 4 महीने के बाद पेमेंट करना। यानी जिस दिन बिल तुमको मिलेगा उस दिन से 4 महीना कैलकुलेट करना और उसके बाद तुम पे करना। सिंपल, इसका मतलब वी विल नॉट काउंट द पीरियड ऑफ द बिल और ड्यू डेट ऑफ द बिल फ्रॉम टुडे, फ्रॉम 26th ऑफ नवंबर, नॉट एट ऑल। हम कब से काउंट करेंगे? जब आपको बिल मिलेगा तब से। यानी जिस दिन आपको बिल मिलेगा आप एक्सेप्ट करोगे उस दिन से पीरियड ऑफ बिल काउंट होना शुरू। तो 4 months आफ्टर साइट, पे टू अमित ठाणे वेस्ट, पे टू अमित और हिज ऑर्डर sum of rupees 9500 only for the value received। अब साइन हो जाएगा, कौन साइन करेगा? हम साइन करेंगे मंजित दिनेश, दिनेश सिंपल। और हम साइन करने के बाद ये भेज देंगे किसको? रॉबी को। महेश LBS रोड मुलुंड, महेश LBS रोड मुलुंड। सामने वाला इसको क्या करेगा? एक्सेप्टेड, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत बोलना सर आफ्टर, अरे वो तो आफ्टर से ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर, इधर देखो ना ऑलरेडी लिखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाले फॉर्मेट का, दिस बिल इज आफ्टर साइट बिल। जब ऊपर ही आफ्टर साइट लिख दिया है तो सामने वाला सिर्फ एक्सेप्ट कर देगा, तो बोल देगा एक्सेप्टेड साइंड नाम। भाई नाम को ब्रैकेट में डाल देने का, एक्चुअली नाम नहीं आएगा साइन आएगा, वो तो अपन साइन नहीं कर सकते इसके लिए नाम लिख रहे हैं। और इधर आ जाएगा डेट, कब एक्सेप्ट किया सामने वाले ने? 29th नवंबर 2019। खत्म। इतने आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर अ डिमांड बिल विद इमेजिनरी ड्रॉवर ड्रॉवी एड्रेस अमाउंट एंड डेट। चलो भाई ड्रॉवर ड्रॉवी इमेजिनरी डालना है, एड्रेस अमाउंट डेट सब इमेजिनरी डालना है। डिमांड बिल बोला है ना, डिमांड बिल मतलब क्या सुनना चाह रहा है? याद है अपन लिखते ना 2 months आफ्टर द डेट पे मी और माई ऑर्डर वगैरह वगैरह, मतलब हम सामने वाले को क्या बोलते कि आज से 2 महीने के बाद तू पैसा देना, या 3 महीने के बाद, या 40 दिन बाद। डिमांड बिल में क्या होगा पता है? हम सामने वाले को क्या बोलेंगे? जब हम बोलेंगे तब तेरे को पैसा देना पड़ेगा, खत्म, दैट इज ऑन डिमांड, बाकी सब सेम। यानी हम वो पूरा वाक्य कैसा शुरू करेंगे? इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 months 2 months आफ्टर द डेट वगैरह हम क्या लिखेंगे? ऑन डिमांड पे मी और माय ऑर्डर, खत्म। अरे समझ में आ रहा है क्या? दैट इज डिमांड बिल। चलो बना ले, इमेजिनरी बोला ड्रॉवर ड्रॉवी। सोनू और कमलेश, अरे भूल गए क्या? अरे तुमको पता है ये कमलेश धुनधुन वाला और सोनू, सोनू कमलेश वो टाइम पे हॉट टॉपिक थे ना। सोनू बिल बनाती कमलेश पे, क्यों बाटली बेच रही, और सोनू को पता है कमलेश कैसा है, इधर से आया भोपाल से कैसा धुन 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 धुन। और कमलेश भी नामुना ना, कमलेश भी बोलता है सोनू, अरे बिल बिल क्या बना रही रे सोनू, तुला माझ्यावर भरोसा नाही का? चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम सोनू है क्योंकि हम बिल बनाने वाले है कमलेश के ऊपर। तो चलो फिर, सब कुछ इमेजिनरी है तो चलो इमेजिन करते करते ले भाई, इमेजिन कर लेंगे एकदम अच तोड़। बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प रुपीस कितना? सिंपल रखते 10,000। सोनू वी कैन राइट विक्रोली मुंबई, अरे पर विक्रोली में किधर? अरे पूरे विक्रोली अपना है रे। डेट डाल दो ना आज का, 30th June 2021, तुमको जो डेट चाहिए डालो। सोनू विक्रोली मुंबई, डेट 30 June 2021। अरे डन। हम कमलेश को क्या बोलेंगे? कितने महीने बाद? कितने भी महीने बाद नहीं हो, हम क्या बोल रहे? ऑन डिमांड। हमने कमलेश को बोला भाई जब मैं बोलूंगा ना तब पैसा भर देना, पहले बोल दे रहा मैं, ऑन डिमांड बिल है। हम लिखेंगे चलिए फिर, ऑन डिमांड पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। साइन सोनू। अब ये भेज देंगे साइन करके किसको? कमलेश को। कमलेश तू, कमलेश पता है ना किधर से आया था? तो सिर्फ भोपाल तो सिटी है ना, तो सिर्फ भोपाल मत लिखो, सदर बाजार भोपाल ऐसा लिख दो। अपन भेज देंगे कमलेश को। अब कमलेश भाई इसको पढ़ेगा, कर देगा साइन, कर देगा एक्सेप्ट, अरे हाँ कि ना, तो लिख देगा एक्सेप्टेड साइन। किसका साइन? कमलेश का। और डेट 3 दिन बाद डाल दो ना, 3 जुलाई डाल दो, चलो 3rd July, खत्म। चलो भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये ऑन डिमांड। अरे डन क्या? चलो लाइव भारी, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी।
टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय।